अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और वेलकम है आप लोग का मेरे एक न्यू व्लॉग में। आज आप मेरे को देख सकते हो कि मैं अपने दोस्त की गाड़ी में बैठा हुआ हूँ। एक्चुअली बस है और हमारा प्लान आज है कि हमने डेजर्ट सफारी जाना है और तकरीबन अभी 3:30 बजे का टाइमिंग है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ डेजर्ट में। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए डेजर्ट सफारी, लेकिन अभी इसके बाद हम लोग क्रूज़र के अंदर जाएंगे और ये बिल्कुल एग्जैक्टली मेरे सामने वो बस खड़ी है दोस्त के साथ, तो अभी मैं इसके साथ जाऊंगा। नीचे गाड़ी पार्क करके बाद इंशाल्लाह क्रूज़र के अंदर जाएंगे, अंदर तो पूरा वो भी इंशाल्लाह साथ साथ दिखा देंगे। अभी लोग हम जा रहे एग्जैक्टली कनेक्शन पॉइंट पर, क्योंकि वहीं पर क्रूज़र आएंगे और ये जो मेरे पीछे आप लोग सब देख रहे और कुछ आगे जा रहे, इनको चार चार या छः छः बंदे डेजर्ट क्रूज़र में बिठाकर सीधा उधर लेकर जाएंगे अंदर कैंप में। फिर कैंप में मतलब डिनर भी होगा और वहाँ पर कुछ वो बेली डांस का कुछ सिस्टम है वो भी है, और आगे क्या क्या होता है तो हम भी देखते और आप लोग के साथ साथ भी दिखाएंगे। तो फाइनली हम लोगों ने राइडिंग की क्रूज़र की, लेकिन मालूम नहीं है कि आप लोगों को मज़ा आया देखने, क्योंकि वीडियो काफ़ी मुश्किल से मैंने बनाया क्योंकि गाड़ी बहुत कटों में आगे पीछे जा रही थी, तो वैसे वीडियो नहीं बनी। और अभी एग्जैक्टली मैं कैंप की एरिया में हूँ, ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये ऊन भी है और देखा हॉर्स भी थोड़ी उधर है, लेकिन डेट की वजह से नहीं है और बाकी
ये बाइक भी है जो आप लोग रेंट पर ले सकते हो, ये भी है। करो या तो यार ये पीछे बाइक चला कर तो मज़ा बहुत आया, और इसकी तकरीबन 100 दिरहम चार्जेस है, लेकिन ये है कि ये मेरा दोस्त यहाँ पर काम करता है तो मैंने 1 दिरहम भी चार्ज नहीं किया हुआ है। और अभी जाते कैंप की तरफ तो उधर इंशाल्लाह जल्दी ही वो बेली डांस शुरू हो जाएगी। ये वो कैंप है, और इस तरफ अगर देखा जाए तो यहाँ पर पूरी लोग घुमाता हूँ आपको डेजर्ट एरिया। ये अच्छा, ये है शेदू और ये हमारा चचा। तो चचा क्या कहना चाह रहे हो? मैं क्या कहना, मैं कुछ नहीं कुछ वैसे डेजर्ट में कैसा लगा? ये बंदा थोड़ा ज़हनी मेंटल है, हाँ, तो महसूस नहीं करना, मतलब नाराज़ मत होना, महसूस मतलब नाराज़ मत होना कर रहा हूँ ना। और बाकी ये तो पूरा कैम जो अंदर से है, हाँ अच्छा, चाचा को बोलता है कि यार मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग में लाओ। ये चाचा है, ये कलीम, ये शैदू। इसके तो मोबाइल से मैंने कुछ वीडियो किया हुआ है, लेकिन लगता है ऐसा है कि उसके रिजल्ट सही नहीं है। अच्छा, थोड़ा मैं आप लोग को यहाँ की भी वीडियो बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर इसका कोई ऐसा छोटा सा शॉप है जहाँ पर आप लोग कुछ ये तरीके से सामान खरीद सकते हो, ये वाले, ठीक है। हाँ अच्छा अच्छा, ये तंदूरा वगैरह, ये पता नहीं एक छोटा रूम है किसके लिए, मतलब लोग कोई होगा उसको सोने के लिए। बाकी इसके अंदर आ जाओ, ये कुछ सामान है जो आप इनसे परचेज कर सकते हो, और उसके साथ लोकल के जो कपड़े हैं वो भी है। यहीं पर जो शीशा है, स्मोकर है, उसके लिए है, पता नहीं कितने कितने का है। उस साइड में स्मोकिंग, सॉरी उस साइड में ये होगा क्या नाम है, जूस वगैरह है। और ये है सेंट आर्टिस्ट, सॉरी अगर गलत बोला तो सॉरी माजत। और ये इसकी जो डिज़ाइनिंग है मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के, और इससे थोड़े आकर ये है पीने वालों के लिए जो पीने का शौकीन है। तो बस यही कुछ इधर से है, और अभी मैं जाता हूँ ऊपर, ऊपर जाकर आप लोगों को उधर से भी कुछ दिखाता हूँ। वो डेजर्ट है यहाँ पर, एक आई लव दुबई लगा, लेकिन बाद में आग लगा कर मुकम्मल पता चलेगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हो ये है अंदर का नज़ारा, ठीक है। और ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, और चाचा को बहुत शौकीन लगा। और ये पकौड़े, चाचा वे भी पकौड़े, वहाँ पर देख सकते हो बारबेक्यू, और वहाँ पर जो खाने का इंतज़ाम है वही है। बाकी ये आप देखो सनसेट है, और कोई लोग फोटो खींच रहे हैं। अफरीदी कैंप, चाचा ये कौन सा कैंप है? अफरीदी कैंप, ये अफरीदी कैंप है। यहाँ देखो
एग्जैक्टली यहाँ पर जो वीआईपी लोग के लिए है ना, ये कानी का तरतीब ये लोग कर रहे हैं, और यहाँ पर इनकी बारबेक्यू चल रही है। ये वीआईपी का कितना एक्स्ट्रा चार्जेस है? 50 दिरहम। तो फिर वो लोग यहाँ पर खाना खा सकते हैं, मतलब जो नॉर्मल लोग यहाँ पर 50 दिरहम चार्ज करते हैं इस पूरे डेजर्ट का। लेकिन एक्स्ट्रा 50 दिरहम देंगे तो वो लोग फिर एक्स्ट्रा यहाँ पर जो बारबेक्यू है और वगैरह सब कुछ है वो इंजॉय कर सकते। तो ये हमने अभी इस वीआईपी जगह से अपने लिए डिनर उठा लिया, और बाद में भी हो सकता है कि थोड़ा उधर से खा लें। तो हमारा डिनर और सब कुछ हो गया, और सॉरी यार मेरे जो टैब का कैमरा बहुत कमज़ोर है, क्योंकि इस टाइम मेरे पास कोई अच्छा सा मोबाइल है नहीं जिससे मैं वीडियो बना सकूँ, और अभी कुछ टाइम बाद नीचे बैजे डांस शुरू हो जाएंगे तो इंशाल्लाह वो दिखा दूँगा।
तो आप लोग सब्र करो, सिर्फ बेले डांस नहीं है, उसके अलावा दो और शो भी है।
तो गए गोदान में उतरना कितने जा पता नहीं पता तो उतर का नहीं ना मैं तो दूध में जाकर उतर हां ठीक है मैं बना रहा हूं इधर आ जाओ ना इधर देखो ये पता नहीं कि गोदान नीचे हमने बहुत आया था इधर देखो इधर कहीं बैठे हुए हैं ये यहां पर ये सुख से बैठे हैं कुछ मेरे साथ है पी तो नहीं रहे बस तू बस आपको पता है किस कौन है कर रहा है आग निकाल रहा है पता नहीं अल्लाह खैर करे ये ले यही था हमारे डेजर्ट का आज का टूर और मेरे ख्याल से इसको ख़त्म हो गया तो सोचता हूँ कि अपना सब कुछ लपेट कर इससे यहाँ से चलते बने तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और इंशाल्लाह मिलते हूँ अच्छी ब्लॉग के साथ नेक्स्ट टाइम तब तक की इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।